Hello students, in this video we are going to study the contour integration of the functions having poles on real axis. देखिए अगर जो function के लिए आपको poles मिल रहे हैं, अगर वो poles real axis पर lie कर रहे हों, तो हम integral को कैसे evaluate करते हैं by contour integration. देखिए अगर जो आपका contour of integration है वो semicircle है in the upper half of the z plane. Semicircle in the upper half of the z plane, ये है आपका contour of integration और इसकी radius है capital R. और सेंटर है ओरिजिन पर, ठीक. और आपको इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर. ये आपका क्लोज कॉन्टूर सी है और आपको इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, मींस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर. आपको ये इवैल्यूएट करना है. कैसे करोगे? इसको हम कॉची रेसिडुअल थ्योरम से इवैल्यूएट कर सकते हैं. कॉची रेसिडुअल थ्योरम क्या होती है? कि इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कॉन्टूर सी एक्सेप्ट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, देन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट क्लोज कॉन्टूर इज इक्वल टू 2 पाई आई इनटू सम ऑफ द रेसिडुअल ऑफ द फंक्शन एट ईच ऑफ इट्स पोल्स. मींस अगर इस फंक्शन के लिए जो आपको पोल्स मिल रहे हैं वो पोल्स आपके इस कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर लाई कर रहे हो, ठीक. तो इन पोल्स पर आप रेसिड्यू फाइंड कर लो, इंटू 2 पाई आई कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर. यही होती है आपकी कॉची रेसिडुअल थ्योरम. लेकिन अगर इस फंक्शन के लिए जो आपको पोल्स मिल रहे हैं वो पोल्स आपके रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हो, मींस यहां मिल रहा हो या यहां मिल रहा हो या यहां मिल रहा हो, रियल एक्सिस पर अगर पोल्स लाई कर रहे हैं तब आप इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे? क्योंकि अगर पोल्स आपके रियल एक्सिस पर आ गए तो कॉची रेसिडुअल थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं हुई, क्योंकि कॉची रेसिडुअल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका क्लोज कॉन्टूर है उसकी बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए. कॉची रेसिडुअल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका फंक्शन होता है वो एनालिटिक होता है किसी भी क्लोज कॉन्टूर की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर सिर्फ कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स को छोड़ के, और वो पोल्स कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर लाई करते हैं, बाउंड्री पर नहीं. बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक होता है, ठीक. अगर आपको, अगर मान लीजिए कि यहां पर मिला पोल या यहां पर मिला या यहां पर मिला या यहां पर मिला, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने के लिए जो आप कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन लेते हो वो सेमी सर्कल लेते हो इन द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन, और उसकी रेडियस हम कितनी लार्ज लेते हैं? इतनी लार्ज लेते हैं कि अपर हाफ प्लेन में आपको जो भी पोल्स मिल रहे हो वो उस सेमी सर्कुलर कॉन्टूर के अंदर इंक्लूड हो जाए, ठीक है. इसका मतलब अगर आपको यहां पर कोई पोल्स मिल रहे हैं तो इस सेमी सर्कुलर रेडियस की, इस सेमी सर्कुलर कॉन्टूर की रेडियस को, मीन्स इस सेमी सर्कल को हम इतना लार्ज कर देंगे, इसकी रेडियस को इतना लार्ज कर देंगे कि ये जो आपको पोल्स यहां पर मिल रहे हैं वो इस सेमी सर्कुलर कॉन्टूर के अंदर आ जाए, इस सेमी सर्कल की रेडियस लार्ज कर देंगे और ये आपके जो पॉइंट्स हैं, मीन्स इन पॉइंट पर जो आपको पोल्स मिल रहे हैं वो पोल्स आपके कहां हो जाएंगे? सेमी सर्कुलर कॉन्टूर के अंदर आ जाएंगे. और फिर हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर लेंगे बाय कॉची रेसिडुअल थ्योरम, ठीक है. लेकिन अगर आपको एक्स एक्सिस पर पोल मिल गया तब क्या करोगे? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पर पोल मिल रहा है तो रेडियस तो आप कितनी भी लार्ज कर लो, लेकिन आप इन पॉइंट्स को तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते ना. यहां पर मिल रहा है तो आप इसकी लार्ज कर दोगे रेडियस और इन पॉइंट्स को अंदर इंक्लूड कर दोगे सेमी सर्कल के. लेकिन अगर एक्स एक्सिस पर मिल गया कोई भी पोल तो आप रेडियस कितनी भी लार्ज कर लो, इन पॉइंट को थोड़ा ना इंक्लूड कर सकते हो आप सेमी सर्कल कॉन्टूर के अंदर, ठीक. तब हम क्या करेंगे? तब आपकी कॉची रेसिडुअल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि बाउंड्री पर आ गए पोल्स. बाउंड्री पर पोल्स आ गए मीन्स कॉची रेसिडुअल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. इस केस में हम इस इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? देखो इस केस में हम क्या करते हैं कि जिन पॉइंट्स पर आपको पोल्स मिल रहा है एक्स एक्सिस पर जिन पॉइंट्स पर आपको पोल्स मिल रहा है उन पॉइंट्स को सेंटर मानकर छोटे छोटे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बहुत ही स्मॉल रेडियस के, ठीक है. हमें क्या करना होता है? देखो अगर हम इन पोल्स को इस कॉन्टूर के बाहर कर दें, सिर्फ इन पॉइंट्स पर आपको पोल मिल रहा है इस फंक्शन के लिए, ठीक है. ये पोल्स कहां पर लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हम कॉची रेसिडुअल थ्योरम से, क्योंकि जो पोल्स है वो आपके बाउंड्री पर आ गए, तो कॉची रेसिडुअल थ्योरम से तो इस इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कर नहीं सकते, ठीक. तो हम क्या करते हैं कि अगर इन पोल्स को हम इस कॉन्टूर से बाहर कर दें तब तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा ना इसकी बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, या हो सकता है इसके अंदर भी कुछ पोल्स मिल रहे हो. अगर मिल रहे हैं तो उन पर हम रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे, नहीं भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कॉची रेसिडुअल थ्योरम लगा सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं क्योंकि बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक हो गया, ठीक है. अच्छा अब इनको बाहर कैसे करेंगे? पॉइंट्स को तो आप बाहर कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं इनको सेंटर मानकर छोटे छोटे से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये सेमी सर्कल जो हम ड्रॉ करते हैं ना और फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करके इन पॉइंट्स को हम बाहर कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेंटिंग द सेमी सर्कुलर कॉन्टूर. इंडेंटिंग द सेमी सर्कुलर कॉन्टूर, ठीक है. ये जो हम छोटे छोटे सेमी सर्कल बना रहे हैं ना और इन पोल्स को बाहर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेंटिंग द सेमी सर्कुलर कॉन्टूर. मीन्स ये जो आपका सेमी सर्कुलर कॉन्टूर था ना, इसको हमने इंडेंट करके ये पॉइंट्स को बाहर कर दिया,
इंडेंट किया ना एक्स एक्सिस, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बनाए, ठीक है, इंडेंट करके हमने, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेंटिंग द सेमी सर्कुलर कॉन्टूर। ठीक, अब जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक हो गया, इसकी बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, हो सकता है इन पॉइंट्स पर आपको पोल्स मिल रहे हो, तो इन पॉइंट पर मींस इन पोल्स पर हम रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे, इनटू 2 पाई आई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन लॉन्गेस्ट क्लोज कॉन्टूर। ठीक, क्योंकि अब इसकी बाउंड्री पर तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहा ना जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर आपको पोल्स मिल रहे थे बाउंड्री पर, मींस एक्स एक्सिस पर आपको इन पॉइंट्स पर पोल्स मिल रहे थे, और इनको हमने बाहर कर दिया इन इन सेमी सर्कल्स को ड्रॉ करके, बहुत ही नेग्लिजिबल रेडियस के सेमी सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको इन पॉइंट्स को बाहर करना था, इसलिए हमने ये सेमी सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, अदरवाइज हमें इनकी कोई जरूरत थोड़ी ना थी। ठीक है, तो इनकी रेडियस हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं। ठीक, और फिर इन पॉइंट्स को हम अलग, अब ये पॉइंट्स इस कॉन्टूर से अलग हो गए, अब जो आपको कॉन्टूर बना वो क्या बना, ये सेमी सर्कल, देन दिस एक्स एक्सिस, देन दिस सेमी सर्कल, देन दिस एक्स एक्सिस, देन दिस सेमी सर्कल, देन दिस एक्स एक्सिस, देन दिस सेमी सर्कल, देन दिस एक्स एक्सिस एंड देन दिस होल सेमी सर्कल। ठीक है, अब आपका फंक्शन एनालिटिक हो गया इसकी बाउंड्री और इसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, सिर्फ कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ होल्स को छोड़ के, तो हम इसे इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर। मींस अगर आपको इसके अंदर कोई पॉइंट्स मिल रहे हैं जिस पर आपको फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उन पॉइंट्स पर आप रेसिड्यू फाइंड कर लो, मींस उन पोल्स पर आप रेसिड्यू फाइंड कर लो, इनटू 2 पाई आई कर दो, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन लॉन्गेस्ट क्लोज कॉन्टूर। ठीक, इस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं उन फंक्शंस के इंटीग्रल्स को जिन फंक्शंस के लिए जो आपको पोल्स मिल रहे हैं, अगर वो पोल्स रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हो। ठीक है, तो हम इंटीग्रल को इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। ठीक, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और चीज समझ में आएगा कि किस तरह से करना है इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट जब आपको जो फंक्शन के लिए पोल्स मिल रहे हैं, अगर वो पोल्स रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बाय कॉन्टूर इंटीग्रल प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। मींस इस इंटीग्रल को आपको इवैल्यूएट करना है बाय कॉन्टूर इंटीग्रेशन, और प्रूव करना है कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले कंसिडर द इंटीग्रल कॉन्टूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। ठीक है, यहाँ पर एफ जेड क्या होगा, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई रेस टू दी पावर आई एम जेड अपॉन जेड। कैसे, देखो एफ जेड कैसे कंसिडर करते हैं, जो भी आपको एफ एक्स मिल रहा हो, यहाँ पर जो भी फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा हो उसको उठा लो, उसमें जहां जहां आपको x मिल रहा हो वहां पर z पुट कर दो, वो हो जाता है आपका fz। ठीक है, यहां पर जो fx मिल रहा है वो क्या है, fx इज इक्वल टू साइन एम एक्स अपॉन एक्स, यही फंक्शन है ना x का, यहां पर साइन एम एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेस टू दी पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स, लिख सकते हैं e रेस टू दी पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा साइन एम एक्स अपॉन एक्स। e रेस टू दी पावर आई एम एक्स का मतलब क्या है, e रेस टू दी पावर आई एम एक्स को हम यूलर्स फॉर्मूले से लिख सकते हैं कॉस एम एक्स प्लस आई साइन एम एक्स लिख सकते हैं, और इसका रियल पार्ट क्या है कॉस एम एक्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन एम एक्स। तो अगर हम e की पावर आई एम एक्स का इमेजिनरी पार्ट लें तो क्या मिलेगा साइन एम एक्स। ठीक, मीन्स अगर इस टर्म का इमेजिनरी पार्ट लें तो क्या मिलेगा साइन एम एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन एम एक्स है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा साइन एम एक्स अपॉन एक्स। ठीक, तो आपका फंक्शन क्या हो गया ई रेस टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ क्या चाहिए एफ जेड चाहिए, तो मैंने क्या बोला जहां आपको एक्स मिल रहा हो फंक्शन में वहां पर जेड पुट कर दो तो वो आपका एफ जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जहां पर एक्स मिल रहा है मीन यहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है, तो उसमें जेड पुट करोगे तो क्या मिलेगा ई रेस टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड, e रेस टू दी पावर आई एम जेड अपॉन सेड, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन के लिए पोल्स क्या मिल रहे हैं, पोल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, जो भी आपको फंक्शन गिवन हो उसमें डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको पोल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है जेड है, जेड को आप जीरो से इक्वेट करोगे मीन जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू जीरो पर आपको कैसा पोल मिल रहा है सिंपल पोल, सिर्फ एक ही पोल मिल रहा है आपका जीरो पर, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ जेड है कोई और टर्म तो है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल पोल मिल रहा है जेड इज इक्वल टू जीरो पर, तो सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है ओरिजिन पर मिल रहा है। ठीक, अब देखिए ऐसे इंटीग्रल्स को मीन्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के लिए जो हम कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, ये कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन जिसके अलावा हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के लिए, सेमी सर्कल इन दी अपर हाफ ऑफ दी जेड प्लेन यही लेते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था, और इसकी रेडियस क्या लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और रेडियस आपको इतनी लार्ज लेनी होती है कि अपर हाफ प्लेन में जो भी आपके पोल्स मिल रहे हो वो सारे पोल्स इस सेमी सर्कुलर कॉन्टूर के अंदर लाए हो जाएं।
तो ये हमने सेमी सर्कुलर कॉन्टूर कंसिडर कर लिया, जिस कॉन्टूर के अलॉन्ग आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर, ठीक। अब जो इस फंक्शन के लिए जो आपको पोल्स मिल रहे हैं, वो पोल्स कहां पर मिल रहे हैं, जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू सिर्फ एक ही पोल मिला आपको, जेड इज इक्वल टू जीरो पर, मीन्स सिंपल पोल मिल रहा है जेड इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक। जेड इज इक्वल टू जीरो मतलब ओरिजिन, मीन्स यहां पर पोल मिल रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस पर आपका पोल आ गया। अब आप इस इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करोगे, क्योंकि आप कॉची रेसिस थ्योरम से तो आप इसको इवैल्यूएट कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपका जो पोल है वो एक्स एक्सिस पर आ गया, मीन्स जो आपका क्लोज कॉन्टूर है उसकी बाउंड्री पर आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ही मिल रहा होता तो हम रेडियस लार्ज करके इस यहाँ पर अगर कोई पोल मिल रहा होता तो हम रेडियस भी लार्ज ले लेते कि ये जो आपके पोल्स मिल रहे होते वो इस सेमी सर्कुलर कॉन्टूर के अंदर आ जाते, ठीक है। लेकिन आपको एक्स एक्सिस पर पोल मिल गया है, एक्स एक्सिस पर पोल मिल गया है, इसका मतलब आप रेडियस कितनी भी लार्ज कर लो, इस पोल को तो आप इस कॉन्टूर के अंदर कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप इस कैसे इवेल्युएट करेंगे, अभी बताया, इसको सेंटर मानकर एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, बहुत ही स्मॉल रेडियस का, मान लीजिए इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो ये हो जाएगा माइनस r और ये हो जाएगा प्लस r, ये पॉइंट, ठीक है। इसकी रेडियस हमें ले लिए स्मॉल r, ठीक। अब क्या हुआ, इस पोल को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं था, सिर्फ आपका फंक्शन इसी पर तो एनालिटिक नहीं है, जेड इज इक्वल टू जीरो पर, बाकी सारे पॉइंट्स पर इस क्लोज कॉन्टूर के अलॉन्ग तो फंक्शन एनालिटिक है ना आपका, सिर्फ इस पॉइंट पर आपको सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, मीन सिर्फ इस पॉइंट पर आपको पोल मिल रहा है, मीन सिर्फ इस पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी के सारे पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, और इस पॉइंट को हमने इस सेमी सर्कुलर कॉन्टूर के बाहर कर दिया, एक स्मॉल सेमी सर्कल बना के, बहुत ही स्मॉल रेडियस का हमने सेमी सर्कल बनाया और इस पोल को हमने इस कॉन्टूर के बाहर कर दिया। अब जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक हो गया, इस कॉन्टूर, ये वाला कॉन्टूर, दिस सेमी सर्कल, दिस एक्स एक्सिस एंड दिस सेमी सर्कल, दिस एक्स एक्सिस और ये सेमी सर्कल, ठीक है। अब जो आपका कॉन्टूर है वो ये वाला हो गया, ठीक। अब इस कॉन्टूर में तो आपका फंक्शन एनालिटिक हो गया ना, क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं था और इसको हमने इस सेमी सर्कल कॉन्टूर के बाहर कर दिया, एक बहुत ही छोटा सा सेमी सर्कल बना के, ठीक। अब इसमें, अब इस इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, और यहाँ पर जो आपका कॉन्टूर है, यहाँ पर जिस कॉन्टूर के अलोंग आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो कॉन्टूर कौन सा है, ये वाला, एक दिस कर, दिस एक्स एक्सिस, दिस कर, ये पॉइंट अब इंक्लूड नहीं हो रहा, अब जो आपका कॉन्टूर है वो ये वाला हो गया, ठीक है। इसको हमने बाहर कर दिया, तभी तो आप कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा पाओगे, ठीक। तो इसको हमने बाहर कर दिया, अब हम इसमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा देंगे बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कॉन्टूर की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, सिर्फ कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स को छोड़कर जो पोल्स आपके कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर लाई कर रहे हैं, देन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट क्लोज कॉन्टूर इज इक्वल टू 2 पाई आई इनटू सम ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट ईच ऑफ इट्स पोल्स, मींस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर सी, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आई इनटू समेशन आर, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आपका कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके अंदर तो कोई पोल मिल ही नहीं रहा, इस फंक्शन के लिए सिर्फ आपको एक ही पोल मिल रहा था, मीन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा मिल रहा था जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं था, बाकी के सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, और जो पॉइंट आपको ऐसा मिल रहा था जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं था वो आपको मिला एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मिल गया तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए हमने इस पॉइंट को बाहर कर दिया। बाहर कैसे किया, इसको सेंटर मानकर छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस पोल को हमने बाहर कर दिया। अब जो आपका रीजन बचा, जो मींस जो आपका क्लोज कॉन्टूर है वो ये वाला हो गया, ठीक। अब क्योंकि आपका फंक्शन एनालिटिक हो गया है इसकी बाउंड्री और इसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, इसलिए हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। लेकिन देखिए, यहां पर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं था और वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था, उसको भी हमने बाहर कर दिया। तो अब इस कॉन्टूर के अंदर तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, इस कोई पोल नहीं मिल रहा है इस कॉन्टूर के अंदर कोई पोल नहीं मिल रहा है, मतलब रेसिड्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते। रेसिड्यू किस पर फाइंड करते हो, जो इस कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर जो आपको पोल्स मिलते हैं उन्हीं पर तो रेसिड्यू फाइंड करते हो, और इस कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर तो कोई पोल मिल ही नहीं रहा है इस फंक्शन के लिए, तो फिर क्या करेंगे, रेसिड्यू आपका क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि पोल मिला ही नहीं, पोल मिला ही नहीं, मीन रेसिड्यू किस पर फाइंड करोगे, तो रेसिड्यू आपका क्या हो गया जीरो, मीन समेशन आर क्या हो गया जीरो, मीन दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, मीन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन लॉन्ग क्लोज कॉन्टूर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया, हमें चाहिए क्या, ये वाला इंटीग्रल चाहिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, ये जो आपका कॉन्टूर है, अब इस कॉन्टूर में कितने पार्ट्स आ गए, एक तो आपका ये सेमी सर्कल, लेट दिस बी सी आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर ली है ना, जो बड़ा सेमी सर्कल है आपका उसकी रेडियस हमने क्या लिया कैपिटल आर, तो इस कर्व को हमने मान लिया सी आर, इस सेमी सर्कल सी आर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा सी आर, इसको मान लिया हमने सी आर, क्योंकि इसकी रेडियस हमें स्मॉल आर ली है छोटे वाले सेमी सर्कल की, इसको हमने नाम दे दिया सी आर, ठीक है। देखो अब ये वाला जो इंटीग्रल है, इसमें जो आपका क्लोज कॉन्टूर है, इस क्लोज कॉन्टूर पर कितने पार्ट्स आ गए हैं, एक ये सेमी सर्कल सी आर, एक्स एक्सिस माइनस आर टू माइनस आर, फिर उसके बाद
माइनस आर से ये जो आपका सेमी सर्कल बनाया आपने, ये जो यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो मीन ओरिजिन को सेंटर मानकर जो आपने छोटा सेमी सर्कल बनाया उसकी रेडियस दिया कैपिटल आर, ठीक है। इस कर्व को हमने नाम दिया सी आर, ठीक है। तो ये आगे माइनस आर टू आर, फिर उसके बाद ये सी आर, देन आर टू आर, ये एक्स एक्सिस, उसके बाद फिर ये वाला, ठीक। तो आपके जो कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें कितने पार्ट आ गए, चार पार्ट आ गए, ये सेमी सर्कल, ये एक्स एक्सिस, ये सेमी सर्कल और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब चार पार्ट आ गए, मीन्स इस इंटीग्रल को हम चार पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सिंस देयर इज नो पोल ऑफ एफ जेड विद इन सी, इस कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर तो आपको फंक्शन के लिए कोई पोल नहीं मिल रहा है ना, जो आपको इस फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही पोल मिला, सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपको पोल मिला जेड इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, वो भी एक्स एक्सिस पर मिला था, उसको भी हमने कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन ही बाहर कर दिया। तो कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर तो आपको कोई पोल नहीं मिल रहा है ना, तो मीन्स देयर इज नो पोल ऑफ एफ जेड विद इन सी, देयरफॉर समेशन आर क्या हो जाएगा, जीरो समेशन आर, और समेशन आर अगर जीरो हो गया इसका मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लो, देखो चार इंटीग्रल्स में ब्रेक होगा, पहला इंटीग्रल माइनस आर टू आर, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ना, माइनस आर टू आर, ठीक है, एफ एक्स टी एक्स, एफ एक्स टी एक्स क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब आपका वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा मतलब जेड इज इक्वल टू एक्स एंड डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस ये जो आपका सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल मीन्स इंटीग्रेशन अलोंग, अच्छा इसकी रेडियस स्मॉल आर ली है ना, इंटीग्रेशन अलोंग सी आर एफ जेड डी जेड प्लस फिर से ये आपकी एक्स एक्सिस आर टू आर, आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल अलोंग ये वाला सेमी सर्कल सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन पुट कर दीजिए, देखो क्या मिल जाएगा, माइनस आर टू आर और एफ एक्स क्या है, ई रेस टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल अलोंग सी आर और एफ जेड क्या है, ई रेस टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड डी जेड प्लस आर टू कैपिटल आर, एफ एक्स क्या है आपका ई रेस टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल अलोंग सी आर और एफ जेड क्या है ई रेस टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये मिल गया, ठीक। अब लेट आर टेंस टू इंफिनिटी एंड स्मॉल आर टेंस टू जीरो, देखो जैसे ही आप आर टेंस टू इंफिनिटी करोगे, आर क्या है यहां पर, ये जो आपने सेमी सर्कल बनाया ना, ये सी आर, इस सेमी सर्कल की रेडियस है ना आपकी कैपिटल आर, जैसे ही आप आर टेंस टू इंफिनिटी करोगे ये, और स्मॉल आर क्या है, इस छोटे सेमी सर्कल की रेडियस, जैसे ही आप आर टेंस टू इंफिनिटी करोगे मीन्स कैपिटल आर टेंस टू इंफिनिटी करोगे स्मॉल आर टेंस टू जीरो हो जाएगा, कैसे, देखो ये जो आपने ये जो सेमी सर्कल बनाया था ये वाला सी आर, इस सेमी सर्कल की रेडियस हमने बहुत स्मॉल ली थी, सिर्फ आपको इस पोल सेट इज इक्वल टू जीरो पर जो आपको पोल मिल रहा था सिर्फ इस पोल को बाहर करने के लिए तो हमने ये सेमी सर्कल बनाया था, वरना तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इस पोल को बाहर करना था इसलिए हमने सेमी सर्कल बनाया था, तो हमने जो इस सेमी सर्कल की रेडियस ली थी वो हमने बहुत स्मॉल ली थी, ठीक है। अब जैसे ही आप आर टेंस टू इन्फिनिटी करोगे मीन्स कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, क्योंकि देखो ये बहुत ही स्मॉल रेडियस का है, ये जो आपने सर्कल बनाया सी आर ये बहुत ही स्मॉल रेडियस का है, जब आप कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी कर दोगे तो उसके सामने ये तो बहुत नेग्लिजिबल रेडियस का सेमी सर्कल हो जाएगा ना, कि आर टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स बहुत बड़ा सर्कल हो, बहुत बड़ा सेमी सर्कल हो गया, और जैसे आर टेंस टू इन्फिनिटी होगा मीन्स जो आपका सेमी सर्कल ये वाला सर्कल है इसकी रेडियस इन्फिनिटी तक जाएगी, तो उसके सामने ये वाला जो सेमी सर्कल है सीआर इसकी रेडियस तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत ही छोटा सेमी सर्कल हो जाएगा, बहुत ही छोटा सेमी सर्कल हो जाएगा, मतलब दिस टेंस टू इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, दिस इसकी रेडियस क्या है आर, दिस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो जैसे ही आपकी आर टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसलिए हमने लेट किया दैट आर टेंस टू इन्फिनिटी एंड आर टेंस टू जीरो, कि जैसे ही आप बड़े वाले सर्कल बड़े वाले सेमी सर्कल सी आर की रेडियस इन्फिनिटी को करोगे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे वैसे ही जो आपका छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी जीरो की तरफ टेंड हो जाएगी, क्योंकि इस सेमी सर्कल की रेडियस के सामने इस सेमी सर्कल की रेडियस तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही करोगे ये हो जाएगा आर टेंस टू जीरो, ठीक है। तो ये हमने लेट किया दैट आर टेंस टू इन्फिनिटी एंड आर टेंस टू जीरो, तो देखो क्या मिलेगा, देखो आर टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हो और आर टेंस टू जीरो कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो कैपिटल आर है दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी मीन्स ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ है स्मॉल आर, दिस आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो,
e की पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस लिमिट, देखो यहाँ पर ये है जो आपका ये जो आपने इंटीग्रेशन लिखा है ये किसके अलोंग लिखा है, ये जो आपका छोटा वाला सेम सर्कल सी आर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा लिमिट आर टेंस टू जीरो और इंटीग्रल अलोंग सी आर ई रेस टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड डी जेड प्लस, यहाँ पर देखो r स्मॉल r इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एंड कैपिटल r इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा जीरो और कैपिटल r इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर i m x अपॉन x dx, ठीक है, प्लस यहाँ पर कैपिटल r है cr, ये किसके लिए लिखा है इंटीग्रल, ये वाले सेमी सर्कल के लिए, बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग सी आर ई रेस टू दावर आई एम जेड अपॉन जेड टी जेड, ठीक है, इज इक्वल टू सी टू, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट इंटीग्रल मिल रहा है उसमें लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और फंक्शन क्या है ई रेस टू दावर आई एम एक्स अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। थर्ड इंटीग्रल में देखिए, इस वाले इंटीग्रल में देखो यहाँ पर लिमिट्स है जीरो टू इन्फिनिटी, फंक्शन है ई रेज़ टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। इन दोनों इंटीग्रल्स में जो आपका फंक्शन है वो सेम है, इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और लिमिट्स क्या है, यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यहाँ पर है जीरो टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फंक्शन था वो भी सेम था, इंटीग्रेशन भी दोनों में एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और लिमिट्स क्या आ रही है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और जीरो से इन्फिनिटी, इसका मतलब हम इन दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं और कंबाइन करके लिखोगे तो क्या मिल जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और फंक्शन क्या है ई रेज़ टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये फंक्शन मिल रहा है, ठीक है, प्लस लिमिट आर टेंस टू जीरो और ये वाला इंटीग्रल इंटीग्रल लॉन्ग सी आर ई रेज टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड डी जेड, देखो ये वाला इंटीग्रल तो इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है, और ये वाला इंटीग्रल हमने लिख दिया। अब इस वाले इंटीग्रल की बात करते हैं, देखो ये वाला इंटीग्रल क्या है लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल लॉन्ग सी आर ई रेज टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड, ये टर्म आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा जैसे लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे ये हो जाएगा जीरो, कैसे, बाय जॉर्डन्स लेमा, बाय जॉर्डन्स लेमा, जॉर्डन्स लेमा क्या होता है लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जेड जीरो है देन लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल अलोंग सी आर ई रेज टू द पावर आई एम जेड एफ जेड जीरो हो जाता है, यही होता है आपका जॉर्डन्स लेमा, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड अगर जीरो मिल रहा है आपको तो लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग दिस सेमी सर्कल सी आर ई रेज़ टू द पावर आई एम जेड एफ जेड ये जीरो हो जाता है। देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है, जो हम यहाँ पर फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं वो ई रेज़ टू द पावर आई एम जेड को एक्सक्लूड करके कर रहे हैं, ठीक है, इसको अलग हटा के तभी तो ये दिखा रहे हैं ई रेज़ टू द पावर आई एम जेड एफ जेड का जो इंटीग्रल है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ई रेज़ टू द पावर आई एम जेड को अलग हटा के जो आपका फंक्शन बचा वो क्या है वन अपॉन जेड, ठीक है, अगर इसमें आप लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या मिलेगा लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन जेड, ये क्या मिल जाएगा जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी मीन जीरो, तो अगर ये आपको जीरो मिल गया इसका मतलब लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग सी आर ई रेज़ टू द पावर आई एम जेड और फंक्शन क्या है वन अपॉन जेड, इसको एक्सक्लूड करके फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन क्या है वन अपॉन जेड मीन्स ई रेज़ टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड का इंटीग्रल अलोंग सी आर एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो मीन्स दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो बाय जॉर्डन्स लेमा, ठीक है, तो ये इंटीग्रल आपका जीरो हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ ये बचा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, देखो ये टर्म भी जीरो हो गया आपका, ये वाला इंटीग्रल भी जीरो हो गया और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी जीरो है तो आप इसको इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो, ये क्या हो जाएगा माइनस लिमिट आर टेंस टू जीरो इंटीग्रल अलोंग सी आर ई रेज टू दी पावर आई एम जेड अपॉन जेड डी जेड, ठीक है, और देखो अच्छा ये यहाँ पर सी आर है स्मॉल सी आर, ठीक है, इस वाले सेमी सर्कल के अलोंग है ना ये इंटीग्रेशन, ठीक। अब देखो
इस ये जो आपने छोटा वाला सेमी सर्कल ड्रॉ किया था इसकी रेडियस क्या दी थी? स्मॉल आर, और सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर। इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू आर। ये सेमी सर्कल है आपका, सेमी सर्कल विद रेडियस स्मॉल आर एंड सेंटर एट ओरिजिन, मींस लिख सकते हैं मॉड जेड इज इक्वल टू आर। और मॉड जेड इज इक्वल टू आर है इसका मतलब जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, और जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो क्या मिल जाएगा? डी जेड इज इक्वल टू आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? dz is equal to r e की पावर i थीटा, और i थीटा का फिर से करोगे तो i d थीटा, तो मींस i r e की पावर i थीटा d थीटा। ठीक है, ये मिल गया आपको। ये सारी वैल्यूज उठाकर हम यहां पर पुट कर देंगे, और यहां पर जो थीटा है वो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ये थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? देखो इस सेमी सर्कल की बात हो रही है, छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए लिखी हमने इक्वेशन मॉड z is equal to r। तो ये जो आपने सेमी सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, इसके लिए थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? देखो इसमें डायरेक्शन कौन सी है? इधर है, ठीक है, दिस साइड, इधर सर, इधर साइड। ठीक है, इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? पाई टू जीरो। यहां पर डायरेक्शन यहां से होती है, यहां से इधर, तब थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? जीरो टू पाई। यहां पर डायरेक्शन किधर है? इधर से आ रहा है ना, दिस 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 एंड देन दिस, तो डायरेक्शन हो गई दिस साइड। मतलब थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? पाई टू जीरो। ठीक है, तो मीन्स थीटा वेरी स्ट्रॉन्ग पाई टू जीरो। ठीक है, ये मिल गया आपको, क्योंकि स्मॉल सेमी सर्कल था, इसमें जो डायरेक्शन थी वो दिस साइड थी। ठीक है, तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? पाई टू जीरो। तो थीटा लाइज बिटवीन पाई टू जीरो। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज जाकर इस इंटीग्रल में पुट कर देंगे, देखो क्या मिल जाएगा। ये हो जाएगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई रेज़ टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स, ये तो एज इट इज रहा, इज इक्वल टू माइनस लिमिट आर टेंस टू जीरो, और इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर आई एम जेड, यहां पर जेड की जगह क्या आ जाएगा? ई रेज़ टू द पावर आई एम जेड की जगह क्या आ जाएगा? आर ई की पावर आई थीटा अपॉन में भी आर ई की पावर आई थीटा, और डी जेड की जगह क्या आ जाएगा? आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा, आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा। ठीक है, ये मिल गया। और देखो इंटीग्रेशन हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब लिमिट्स किसकी आएंगी? थीटा की, और थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? पाई टू जीरो, ये आ गया पाई टू जीरो लिमिट्स आ गई। ठीक है, और देखो आर ई की पावर आई थीटा, आर ई की पावर आई थीटा कैंसिल, क्या बचा? इंटीग्रल पाई टू जीरो ई रेज़ टू द पावर आई एम आर ई की पावर आई थीटा आई डी थीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखो ये आई को आप इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हो, माइनस आई हो जाएगा। इंटीग्रल पाई टू जीरो आप इसको अंदर लिख सकते हैं, लिमिट आर टेंस टू जीरो, और ये आ गया आपका ई रेज़ टू द पावर आई एम आर ई की पावर आई थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, और लिमिट आर टेंस टू जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ई की पावर जीरो, यहां पर जीरो हो जाएगा ना, और ई की पावर जीरो मीन्स वन, तो ये हो जाएगा माइनस आई पाई टू जीरो डी थीटा, मीन्स वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? माइनस आई, और वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा मीन्स थीटा, और लिमिट्स आ जाएंगी पाई टू जीरो इज इक्वल टू, लिमिट लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? जीरो माइनस पाई, तो मीन्स माइनस पाई, और माइनस पाई मीन्स आई पाई। ये मिल गया आपको माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी आई एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल आपको मिल गया आई पाई। ठीक है, और ये आपको क्या मिल जाएगा? माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी, और e की पावर आई एम एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एम एक्स प्लस आई साइन एम एक्स बाय यूलर्स फॉर्मूला, कॉस एम एक्स प्लस आई साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिल रहा है? आई पाई। ठीक है, और इसको हम दो इंटीग्रल्स में लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस आई इंटीग्रल, मीन्स रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला इंटीग्रल मिला माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? आई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई पाई। ठीक है, और जो आपको इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट क्या करना था? इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स, ये आपको इवेल्युएट करना था। ठीक है, मीन्स आपको साइन वाला टर्म चाहिए, और साइन वाला टर्म आपको कब मिलेगा? जब आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, मीन्स इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, तो क्या मिल जाएगा? देखो इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट, द इमेजिनरी पार्ट वी हैव
देखो आपको साइन वाला टर्म चाहिए था ठीक है, इसलिए हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं। अगर आपको कॉस वाला टर्म चाहिए होता तो हम रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं ठीक है। साइन वाला टर्म चाहिए इसलिए हमें इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ना ये आपका, इसमें आई आ रहा है इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई आ रहा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साइन एफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आई पाई, यहाँ पर तो आपको रियल पार्ट मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट ही मिल रहा है ठीक है। तो जब आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई ठीक है। और आपको चाहिए क्या था, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स चाहिए था ठीक है। हम इसकी लिमिट्स को लिख सकते हैं, लिमिट्स कर दे जीरो से इन्फिनिटी और टू से मल्टीप्लाई कर दे, कर सकते हैं अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो, अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन होता है और लिमिट्स इस तरह से होती है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, जहां पर फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, जो आपका एफ एक्स है वो इवन फंक्शन है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हम लिख सकते हैं टू इंटीग्रल लिमिट्स क्या हो जाएंगी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। फंक्शन आपका इवन फंक्शन होना चाहिए तब हम लगा सकते हैं प्रॉपर्टी ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो आपका फंक्शन है वो क्या है, साइन एफ एक्स अपॉन एक्स, ये फंक्शन इवन है या नहीं, इवन इवन फंक्शन है, इसका मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही होगा, मीन्स जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह पर अगर आप माइनस एक्स पुट कर दो तो आपको एफ एक्स ही मिलना है ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है आपका फंक्शन एफ एक्स तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। यहाँ पर देखो जो फंक्शन है साइन एम एक्स अपॉन एक्स, ये फंक्शन है, इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करो तो क्या मिलेगा, साइन माइनस एम एक्स अपॉन माइनस एक्स, और साइन माइनस एम एक्स मीन्स माइनस साइन एम एक्स, और अपॉन में क्या मिल रहा है माइनस एक्स, मीन्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको ये मिल रहा है साइन एम एक्स अपॉन एक्स, इसका मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसका मतलब हम जो आपका इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स हम कर सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी और टू से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये आपको मिल गया टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू ठीक है। ये प्रूव करना था आपको कि इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू ठीक है। तो ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया ठीक, इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय ए साइन ए, मीन्स इस इंटीग्रल को आपको इवैल्यूएट करना है बाय कॉन्टूर इंटीग्रेशन और प्रूव करना है कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाय ए साइन ए ठीक है। तो करते हैं इसको, सबसे पहले कंसिडर द इंटीग्रल इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अलॉन्ग द क्लोज कॉन्टूर सी, और यहाँ पर फंक्शन क्या है एफ जेड क्या है, वेयर एफ जेड fz क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर i z अपॉन a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, यही हो जाएगा। कैसे, जो आपका यहाँ पर फंक्शन है x का जो फंक्शन है fx यहाँ पर क्या है, fx यहाँ पर है cos x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e की पावर i x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं, e की पावर आई एक्स को आप यूलर्स फॉर्मूले से लिख सकते हो, e की पावर आई एक्स को कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स लिख सकते हो, और अगर इसका रियल पार्ट ले लोगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, मीन्स अगर इस फंक्शन e की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका आप रियल पार्ट लोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स यही मिलेगा कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स फंक्शन क्या है यहाँ पर e की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ एक्स ये है e की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एफ जेड क्या हो जाएगा e की पावर आई जेड अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन, और जो क्लोज कॉन्टूर होगे वो क्या लोगे इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है मीन्स जो हम कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे वो क्या लेंगे सेमी सर्कल इन दी अपर हाफ ऑफ दी जेड प्लेन, और जिसकी रेडियस हम क्या लेंगे कैपिटल आर ठीक है, और सेंटर एट ओरिजिन ठीक है। ये ले लिया हमने कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर ठीक। अब इस फंक्शन के लिए पोल्स डिटरमाइन कर लीजिए, पोल्स कैसे निकालते हैं, जो भी आपको फंक्शन गिवन हो उसमें डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको पोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मीन्स इसको जीरो से इक्वेट कर दो ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो आपको पोल्स मिल जाएंगे, मीन्स ये क्या मिलेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, मीन्स जेड इज इक्वल टू ए और जेड इज इक्वल टू माइनस ए पर आपको पोल्स मिल रहे हैं, मतलब जेड इज इक्वल टू ए और जेड इज इक्वल टू माइनस ए पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी के सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एनालिटिक है अलॉन्ग दिस क्लोज कॉन्टूर ठीक है। और ये पूरा लाइक कहां कर रहे हैं, देखो z इज इक्वल टू प्लस ए और z इज इक्वल टू माइनस ए दोनों आपके कहां मिलेंगे रियल एक्सिस पर, मीन्स x एक्सिस पर
इधर मिल जाएगा आपको माइनस ए और यहां पर मिलेगा आपको ए। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए दो पोल्स मिले, मींस दो पॉइंट ऐसे मिले जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी के सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एनालिटिक है। और दोनों पोल्स आपके कहां लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, मींस रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट तो कर नहीं सकते कॉची रेजी थ्योरम से, क्योंकि जो आपको पोल्स मिल रहे हैं इस फंक्शन के लिए वो पोल्स आपके रियल एक्सिस पर आगे, मीन्स कॉची रेजी थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन पोल्स को बाहर कर दें इस कॉन्टूर से, तब तो कॉची रेजी थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी ना, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक हो जाएगा इसकी कॉन्टूर्स के अंदर के सभी पॉइंट्स पर, फिर हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय कॉची रेजी थ्योरम। ठीक है, अब इसको बाहर कैसे करेंगे, पॉइंट को तो आप बाहर कर नहीं सकते, तो इनको सेंटर मानकर स्मॉल स्मॉल सेमी सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक, तो इसको सेंटर मानकर हमने एक बहुत छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस हम ले रहे हैं आर डैश, स्मॉल आर डैश। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल आर डैश ले रहे हैं। ठीक है, इसकी रेडियस तो ये हो जाएगा सी आर डैश की सेमी सर्कल। ठीक है, और इस वाले कोण को भी हम बाहर कर दे रहे हैं इस कॉन्टूर से बाय ड्रॉइंग अ स्मॉल सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल का वेरी स्मॉल रेडियस। ठीक है, और इसकी रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल आर, यहाँ पर हमने आर डैश लिया ना। ठीक है, यहाँ पर हमने जो रेडियस ली है वो हमने लिया आर डैश, यहाँ पर ले रहे हैं स्मॉल आर, तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा आपका सी आर। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस कॉन्टूर से बाहर कर दिया, अब जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक हो गया ना इसकी बाउंड्री के अंदर के सभी पॉइंट्स पर। अब हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट्स मिल रहे थे उन पॉइंट्स को हमने इस कॉन्टूर से बाहर कर दिया। ठीक है, अब जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक हो गया इसकी बाउंड्री के अंदर के सभी पॉइंट्स पर, तो हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, और ये वाला जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस हमें कैपिटल आर ली है, तो उसको हम नाम दे देंगे कैपिटल सी, मतलब सी कैपिटल आर। ठीक है, ये मिल गया। अब बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा देते हैं इस पे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। क्या हो जाएगा ये इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन लॉन्ग क्लोज कॉन्टूर सी, ये हो गया आपका क्लोज कॉन्टूर। अब ठीक है, दिस सेमी सर्कल, देन दिस एक्स एक्सिस, देन दिस सेमी सर्कल, देन दिस एक्स एक्सिस, देन दिस सेमी सर्कल और देन दिस एक्स एक्सिस। फाइन, तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन लॉन्ग दिस क्लोज कॉन्टूर इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर, क्योंकि कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शनलिटी है किसी क्लोज कॉन्टूर की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, देन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट क्लोज कॉन्टूर इज इक्वल टू 2 पाई आई इनटू समेशन आर। समेशन आर क्या होता है, सम ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट ईच ऑफ इट्स पोल्स। लेकिन देखो यहाँ पर कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन जो अब मिला है आपको, ये वाला जो कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन है इसके अंदर तो कोई पोल मिल ही नहीं रहा है, मीन्स इसके अंदर तो आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं है इस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, इसके अंदर सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, मीन्स कोई पोल नहीं मिल रहा है और कोई पोल नहीं मिल रहा है, मीन्स रेसिड्यू किस पर फाइंड करोगे, उन पोल्स पर ही तो आप रेसिड्यू फाइंड करते हो जो इस कॉन्टूर ऑफ इंडिकेशन के अंदर लाई कर रहे होते हैं, इसके अंदर तो आपको कोई पोल मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब सबमिशन यहाँ क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो सिंस देयर आर नो पोल्स विद इन सी, देयरफॉर समेशन आर इज इक्वल टू जीरो, और समेशन आर अगर जीरो है इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका जीरो, इसका मतलब इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अलोंग द क्लोज कॉन्टूर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, देखो ये जो आपका क्लोज कॉन्टूर है अब इसमें सिक्स पार्ट्स बन रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ये एक्स एक्सिस मीन्स माइनस आर टू माइनस ए माइनस आर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट है आपका माइनस ए, और ये जो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया इसकी रेडियस हमने क्या ली है आर डैश, इसकी रेडियस हमने क्या ली है आर डैश, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस आर, क्योंकि माइनस ए पॉइंट ये है, इसमें से आर डैश को अगर माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और आर डैश को प्लस कर दोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, तो माइनस पहला जो आपका इंटीग्रल बनेगा माइनस आर टू माइनस ए माइनस आर डैश, फिर उसके बाद इंटीग्रल अलोंग सी आर, फिर ये पॉइंट क्या है आपका माइनस ए प्लस आर डैश, तो माइनस ए प्लस आर डैश से ए माइनस आर, ये पॉइंट आपका क्या है ए माइनस आर, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है ए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल की रेडियस क्या है आर, स्मॉल आर लिए ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ क्या है माइनस ए प्लस आर डैश से ए माइनस आर, ये वाला पॉइंट, फिर इंटीग्रल अलोंग सी आर, फिर उसके बाद ए प्लस आर से कैपिटल आर। ठीक, उसके बाद लास्ट इंटीग्रल अलोंग सी आर, along the semicircle CR. ठीक है, तो six integrals बन रहे हैं, first this, then this semicircle, then this. ठीक है, six integrals में हम इसको break कर सकते हैं, तो पहला हो जाएगा minus R to minus A minus R. ठीक है, ये वाला point minus A minus R. ठीक है, उसके बाद integral along CR.
ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, एक्स एक्सिस पर है मतलब एक्स एक्सिस मतलब वाई जीरो होगा तो मतलब जेड इक्वल टू एक्स एंड डी इक्वल टू डी एक्स, तो ये आ गया प्लस 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 फाइन प्लस इंटीग्रल अलोंग सी आर डैश एफ जेड डी जेड प्लस माइनस ए प्लस आर डैश टू ए माइनस आर एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस है ठीक है, प्लस इंटीग्रल अलोंग सी आर सी आर एफ जेड डी जेड प्लस फिर ए प्लस आर से ये कैपिटल आर तक ठीक है, ये एक्स एक्सिस एफ एक्स डी एक्स ठीक, प्लस ये वाला सेमी सर्कल इंटीग्रल अलोंग सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो है ना, इक्वल टू जीरो ठीक है। तो इस इंटीग्रल को हमने सिक्स पार्ट्स में ब्रेक कर दिया क्योंकि इस कॉन्टूर में आपको सिक्स पार्ट्स मिल रहे थे ठीक है, तो सब पार्ट्स के अलावा हमने इंटीग्रल अलग अलग लिख लिया तो इसको हमने सिक्स पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, मीन सिक्स इंटीग्रल से हमने इसको ब्रेक कर लिया तो आपको ये मिल गया ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लगा देंगे लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी, और जैसे कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी करोगे मीन ये वाला जो आपको बड़ा वाला सर्कल है ना, बड़ा वाला सेमी सर्कल, इसकी रेडियस जैसे इन्फिनिटी करोगे, ये जो जब इसकी रेडियस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी तो ये वाले जो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बनाए हैं इनकी रेडियस तो इस सेमी सर्कल की रेडियस के सामने बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी, मींस इसकी रेडियस मींस ये वाले सेमी सर्कल की रेडियस किसकी तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ, जब इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी ठीक है। सो व्हेन आर टेंस टू जीरो, आर डैश टेंस टू जीरो एंड कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी, जब ये सेमी सर्कल जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर दोगे तो उसके सामने ये छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी, मीन जीरो की तरफ टेंड करेगी, तो आर टेंस टू जीरो आर डैश इसकी रेडियस है आर डैश और इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस है आर ठीक है, तो आर टेंस टू जीरो आर डैश टेंस टू जीरो एंड कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी वी हैव, क्या मिल जाएगा आपको देखो, कैपिटल आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी मीन्स बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस किसकी तरफ टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ, मतलब क्या हो जाएंगी लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू ये वाला स्मॉल आर, यहाँ जो स्मॉल आर ये स्मॉल आर डैश होगा, यहाँ पर आर डैश है ना, यहाँ पर ये इस वाले सेमी सर्कल की जो आपने रेडियस ली है वो क्या ली है आर डैश ली है, मीन्स यहाँ क्या आएगा माइनस ए माइनस आर डैश ठीक है, यहाँ माइनस ए है मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें से आर डैश को माइनस कर दो मीन्स माइनस ए माइनस आर डैश जाएगा ये वाला पॉइंट ठीक है, यहाँ आर डैश आएगा फाइन, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए क्योंकि आर डैश दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो क्या बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट ये किसके अलोंग है, ये वाला इंटीग्रेशन आर सी आर डैश के अलोंग, सी आर डैश मतलब ये वाला सेमी सर्कल ठीक है, तो लिमिट आर डैश टेंस टू जीरो इंटीग्रल अलोंग सी आर डैश एफ जेड डी जेड प्लस आर डैश और आर दोनों जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब लिमिट क्या हो जाएगी माइनस ए टू ए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट ये वाला इंटीग्रेशन किसके अलोंग है सी आर मीन्स ये वाला सेमी सर्कल के अलोंग है, मीन्स लिमिट आर टेंस टू जीरो स्मॉल आर टेंस टू जीरो इंटीग्रल अलोंग सी आर एफ जेड डी जेड ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा ए टू इन्फिनिटी क्योंकि आर इज टेंडिंग टूवर्ड्स ये स्मॉल आर इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो और कैपिटल आर इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएंगे लिमिट्स ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ठीक है, फिर ये वाला आ गया प्लस लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी और इंटीग्रल सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो ठीक है, ये मिल गया आपको। अब देखो जो आपको फर्स्ट वाला इंटीग्रल है इसमें लिमिट्स क्या है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, और थर्ड वाला इंटीग्रल देखो इसमें लिमिट है माइनस ए टू ए, देखो यहाँ पर भी फंक्शन है एफ एक्स यहाँ पर भी फंक्शन है एफ एक्स और इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लिमिट्स आ रही है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यहाँ पर है माइनस ए टू ए, मतलब हम इन दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ए क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स क्या है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यहाँ पर है माइनस ए टू ए और फंक्शन भी सेम है और इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ए ठीक। अब देखो जो इंटीग्रल बनेगा वो आपका बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू ए ठीक, उसके बाद इस इंटीग्रल में आइए, ये जो आपका फिफ्थ इंटीग्रल है ये क्या बन रहा है ए टू इन्फिनिटी, और जो आपका इंटीग्रल मैंने अभी बोला कि इन दोनों इंटीग्रल्स को जब आपने कंबाइन किया तो आपका इंटीग्रल मिला माइनस इन्फिनिटी टू
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस है, माइनस ए टू ए है ना, तो इंटीग्रल आपको क्या मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू ए, ठीक है। और जो ये वाला इंटीग्रल है, यहाँ देखो ए टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर जो आपको इंटीग्रल मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स डी एक्स, और जो यहाँ पर इंटीग्रल है वो क्या है, ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू ए, यहाँ पर लिमिट्स ए टू इन्फिनिटी, फंक्शन भी सेम है, इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, लिमिट्स क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। देखो तीन इंटीग्रल्स को कंबाइन किया, एक ये वाला इंटीग्रल, एक ये वाला इंटीग्रल और एक ये वाला इंटीग्रल, यहाँ पर जब इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो आपको लिमिट्स मिली माइनस इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स थी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, यहाँ पर लिमिट्स थी माइनस ए टू ए, तो इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी टू ए लिमिट्स मिली, ठीक है। उसके बाद जब माइनस इन्फिनिटी टू ए लिमिट्स मिल गई, उस इंटीग्रल को हमने इसमें कंबाइन कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू ए मिल रही है और यहाँ पर क्या है, ए टू इन्फिनिटी, मीन्स इन दोनों इंटीग्रल को जब हमने कंबाइन किया तो लिमिट्स क्या मिल गई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन तीनों इंटीग्रल्स को जब हमने कंबाइन किया तो ये मिला आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक, प्लस लिमिट आर डैश टेंस टू जीरो वाला इंटीग्रल, इंटीग्रल अलोंग सी आर डैश एफ जेड डी जेड, प्लस ये वाला इंटीग्रल तो कंबाइन हो गया, फिर ये वाला इंटीग्रल प्लस लिमिट आर टेंस टू जीरो इंटीग्रल अलोंग सी आर एफ जेड डी जेड, प्लस फिर ये वाला इंटीग्रल लिमिट आर, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल भी तो कंबाइन हो गया है, फिर ये आ गया लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग सी आर एफ जेड डी जेड, और ये क्या हो जाएगा, जीरो बाय जॉर्डन्स लेमा, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही आपका ये वाला इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा बाय जॉर्डन्स लेमा, यहाँ पर भी यही बन रहा है लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग सी आर डी जेड, ठीक है। तो ये इंटीग्रल आपका जीरो हो जाएगा बाय जॉर्डन्स लेमा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही, ठीक। तो ये हो गया आपका जीरो। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को हम इवैल्यूएट कर लेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, देखो ये वाला जो आपने इंटीग्रल लिया है ये वाले सेमी सर्कल के अलोंग लिया है, ये वाला सेमी सर्कल ना जिसकी रेडियस आर डैश है वो वाला सेमी सर्कल, ठीक। अब ये वाला जो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था इसकी रेडियस आपने ली है स्मॉल आर डैश और सेंटर कहां पर है, माइनस ए पर, तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो वो क्या हो जाएगी, जेड प्लस ए इज इक्वल टू आर डैश, क्या होती, जेड माइनस ये होती ना जेड माइनस, और यहां पर सेंटर कहां पर है, माइनस ए पर, तो माइनस ए इज इक्वल टू आर डैश, क्योंकि आर डैश रेडियस है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मॉड ऑफ जेड प्लस ए इज इक्वल टू आर डैश, इस सेमी सर्कल के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ जेड प्लस ए इज इक्वल टू आर डैश, मॉड ऑफ जेड प्लस ए इज इक्वल टू आर डैश, मतलब जेड प्लस ए इज इक्वल टू आर डैश ई की पावर आई थीटा, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये मिल जाएगा डी जेड इज इक्वल टू आई आर डैश ई की पावर आई थीटा डी थीटा, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dz और a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, r डैश e की पावर i थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, r डैश e की पावर i थीटा, और i थीटा को फिर से करोगे तो i d थीटा, ठीक है। ये हमने cr के लिए किया है, फॉर ये किसके लिए कर रहे हैं, फॉर cr डैश इस वाले सेम सर्कल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये ठीक। अब cr के लिए देख लो, ये जो हमने cr सर्कल ड्रॉ किया सेम ऐसे ही, फॉर cr सीआर सेमी सर्कल के लिए जो आप इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, यही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर किस पर है, ए पर है, और रेडियस क्या ली है, स्मॉल आर, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, और डी जेड इज इक्वल टू आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dz इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आर ई की पावर आई थीटा का फिर से करोगे तो आई डी थीटा, तो dz इज इक्वल टू आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा, और दोनों के लिए थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, दोनों के लिए मतलब अलोंग सी आर और अलोंग सी आर डैश और अलोंग सी आर, इन दोनों सेमी सर्कल्स के लिए थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, पाई टू जीरो, क्योंकि डायरेक्शन कहां से है, इधर से इधर है ना, अगर इधर से इधर होती तब हम लिखते जीरो टू पाई, डायरेक्शन इधर से इधर है, मीन्स यहां से इधर है, ठीक। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, पाई टू जीरो, पाई टू जीरो, ठीक। तो थीटा वेरीज, थीटा लाइज बिटवीन पाई टू जीरो, ठीक। अभी सारी वैल्यूज उठा के हम इन इंटीग्रल्स में पुट कर देंगे और इनको इवैल्यूएट कर लेंगे। यहाँ पे पहले फंक्शन पुट कर लो, एफ जेड जो आपका था वो पुट कर लो, ये मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या था आपका, ई की पावर आई एक्स, मतलब एफ एक्स क्या था, ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस लिमिट आर डैश टेंस टू जीरो, ठीक है, और इंटीग्रल अलोंग सी आर डैश, और एफ जेड क्या हो जाएगा आपका, ई की पावर आई जेड अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये था ना आपका एफ जेड,
e की पावर iz अपॉन a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dz प्लस लिमिट r टेंड्स टू 0 इंटीग्रल अलोंग cr fz पुट कर दो e की पावर iz अपॉन a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dz इज इक्वल टू 0 ठीक है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर ix अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx प्लस लिमिट r डैश टेंड्स टू 0 अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए देखो जब इंटीग्रल हो रहा है अलोंग सी आर डैश तो सी आर डैश के लिए हमने ये डेटा फाइंड किया है ठीक है तो यहां से आप z z क्या हो जाएगा आपका z r डैश e की पावर i थीटा माइनस a या फिर लिख सकते हैं माइनस a प्लस r डैश e की पावर i थीटा ठीक है तो और ये हो जाएगा e की पावर i और z की जगह क्या हो जाएगा माइनस a प्लस r डैश e की पावर i थीटा ठीक है अपॉन में a स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर है यहाँ पर इसका मतलब ये जो आपको जेड मिला है ना माइनस ए प्लस आर डैश ई की पावर आई थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस आर डैश ई की पावर आई थीटा का स्क्वायर ठीक डी जेड की जगह क्या हो जाएगा आई आर डैश ई की पावर आई थीटा डी थीटा ठीक है फिर नेक्स्ट वाले इंटीग्रल के लिए लिख लो अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब लिमिट किसकी आएगी थीटा की थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है पाई टू जीरो पाई टू जीरो फिर नेक्स्ट वाला इंटीग्रल प्लस लिमिट आर टेंड्स टू जीरो इंटीग्रल अलोंग सी आर तो सी आर के लिए हमने ये फाइंड किया है तो यहां पर हो जाएगा ई की पावर आई और जेड की जगह क्या आ जाएगा जेड की जगह लिख सकते हैं ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा ठीक है यहां से जेड क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मतलब ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा का स्क्वायर ठीक है और dz की जगह क्या लिख सकते हैं आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये मिल गया इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस लिमिट आर डैश टेंड्स टू जीरो इंटीग्रल पाई टू जीरो ई की पावर आई माइनस ए प्लस आर डैश ई की पावर आई थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस और ये इसका होल स्क्वायर इसको ओपन कर दो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर ई की पावर टू आई थीटा ठीक है और माइनस टू ए आर डैश ई की पावर आई थीटा ठीक है ये मिल गया और न्यूमरेटर में आई आर डैश ई की पावर आई थीटा डी थीटा ठीक और यहां पर नेक्स्ट वाले इंटीग्रल के लिए देख लीजिए लिमिट आर टेंड्स टू जीरो अच्छा यहाँ पर भी जो लिमिट्स हैं वो आपकी पाई टू जीरो ही है ठीक है यहाँ पर भी तो लिमिट्स पाई टू जीरो ही है यहाँ पर भी लिमिट्स क्या हो जाएगी पाई टू जीरो ठीक यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर में जो आपको स्क्वायर वाला टर्म मिल रहा है इसको आप ओपन कर लो ये क्या हो जाएगा ई की पावर आई ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस और इसको ओपन कर लोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ई की पावर टू आई थीटा और प्लस टू ए आर ई की पावर आई थीटा ठीक है और यहाँ क्या है आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जीरो ठीक इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस लिमिट आर डैश टेंड्स टू जीरो इंटीग्रल पाई टू जीरो देखो यहां पर ये मिल रहा है आपको ई की पावर आई माइनस ए प्लस आर डैश ई की पावर आई थीटा अपॉन देखो यहां पर मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स अगर माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस दिस टर्म और प्लस दिस टर्म ठीक है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा आपको डिनोमिनेटर में माइनस आर डैश का स्क्वायर ई की पावर टू आई थीटा और प्लस में टू ए आर डैश ई की पावर आई थीटा ठीक है आई आर डैश ई की पावर आई थीटा डी थीटा ठीक ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये टर्म हो गया आपका माइनस का माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर टू आई थीटा ये टर्म हो गया आपका पॉजिटिव टू ए आर डैश ई की पावर आई थीटा ठीक है सेम ऐसे ही इस वाले इंटीग्रल में कर लो ये क्या हो जाएगा लिमिट आर डैश टेंड्स टू जीरो लिमिट्स है पाई टू जीरो और ये भी सेम ऐसे आई ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा और यहाँ पर भी देखो ए स्क्वायर जब माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर टू आई थीटा माइनस टू ए आर की पावर आई थीटा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या मिल जाएगा
माइनस आर स्क्वायर ई की पावर टू आई थीटा और माइनस टू ए आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है, ये मिल गया। और यहाँ क्या मिल रहा है, आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा, ठीक, इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस लिमिट आर डैश टेंस टू जीरो इंटीग्रल पाई टू जीरो। देखो यहाँ पर आर डैश ई की पावर आई थीटा दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो आर डैश ई की पावर आई थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर आई माइनस ए प्लस आर डैश ई की पावर आई थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आर डैश ई की पावर आई थीटा को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस आर डैश ई की पावर आई थीटा, ठीक, और यहां पर क्या बचेगा, प्लस टू ए, ठीक, आई आर डैश ई की पावर आई थीटा डी थीटा प्लस लिमिट आर, जो यहां पर ये आर है ना, आर टेंस टू जीरो है यहां पर, ठीक है, तो आर टेंस टू जीरो, आर टेंस टू जीरो और पाई टू जीरो, यहां पर भी आर ई की पावर आई थीटा दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो आर ई की पावर आई थीटा को कॉमन ले लो, यहां से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई की पावर आई ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर ई की पावर आई थीटा को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आर और ई की पावर आई थीटा माइनस टू ए, ठीक है, ये मिल रहा है, और ये वाला टर्म आ जाएगा यहां साथ में आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा, ठीक, तो आर ई की पावर आई थीटा, आर ई की पावर आई थीटा कैंसिल, यहां पर भी आर डैश ई की पावर आई थीटा, आर डैश ई की पावर आई थीटा कैंसिल, ठीक है, अब देखो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस पाई टू जीरो, इसको हम अंदर लिख सकते हैं लिमिट आर डैश टेंस टू जीरो, यहां पर टर्म क्या मिल रहा है, ई की पावर आई माइनस ए प्लस आर डैश ई की पावर आई थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या मिल रहा है, माइनस आर डैश ई की पावर आई थीटा प्लस टू ए, ये मिल रहा है, ठीक, डी थीटा प्लस सेम यहां पर भी पाई टू जीरो, इसको अंदर लिख लो लिमिट आर टेंस टू जीरो, और ये टर्म आपका आ जाएगा ई की पावर आई ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा अपॉन में माइनस आर ई की पावर आई थीटा माइनस टू ए डी थीटा, ठीक है, और लिमिट आर टेंस टू जीरो लगाओगे यहां पर आर डैश टेंस टू जीरो यहां पर आर टेंस टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका जीरो, आर डैश टेंस टू जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो गया आपका जीरो, तो जीरो प्लस टू ए मीन्स टू ए, डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा टू ए, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, जब न्यूमरेटर में आर डैश टेंस टू जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा आपका जीरो, मीन्स क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस आई ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल तो आपका सेम रहा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल पाई टू जीरो, और ये क्या हो गया, ई की पावर माइनस आई ए, जैसे हमने लिमिट आर डैश टेंस टू जीरो रखा, ये क्या मिल गया आपको, ई की पावर माइनस आई ए और डिनोमिनेटर में टू ए, ठीक है, डी थीटा, अच्छा इसके साथ आई भी तो आ रहा है, ये आई आई भी तो है, तो आई को हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर देखो क्या मिल रहा है, प्लस यहां पर भी आई को बाहर ले ले रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, पाई टू जीरो और लिमिट आर डैश टू जीरो रखोगे तो यहां पर भी ये मिल गया ई की पावर आई ए अपॉन, यहां पर आर टेस्ट टू जीरो होगी तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा जीरो, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस टू ए डी थीटा, ठीक है, ये मिल गया, इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, फाइन, और ये मिल जाएगा आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई। देखो ये जो आपको यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है ई की पावर माइनस आई ए अपॉन टू ए, कॉन्स्टेंट टर्म में इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई ए अपॉन टू ए इंटीग्रल पाई टू जीरो डी थीटा, मतलब वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसी हो जाएगा, ये जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर, माइनस ई की पावर आई ए, आई ई की पावर आई ए अपॉन टू ए इंटीग्रल पाई टू जीरो, यहाँ पर भी वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई ई की पावर माइनस आई ए अपॉन टू ए, और वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा मीन्स थीटा, और लिमिट लगा दो पाई टू जीरो, यहाँ पर माइनस आई आई ई की पावर आई ए अपॉन टू ए, यहाँ पर भी वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मीन्स थीटा, और लिमिट लगा दो पाई टू जीरो, ठीक है,
माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई ई की पावर माइनस आई ए अपॉन टू ए। देखो यहाँ पर लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या मिलेगा जीरो माइनस पाई मीन्स माइनस पाई। यहाँ पर माइनस आई ई की पावर आई ए अपॉन टू ए यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा जीरो माइनस पाई मीन्स माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक ये मिल गया आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस आई पाई ई की पावर माइनस आई ए अपॉन टू ए। ठीक है यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा प्लस आई पाई ई की पावर आई ए अपॉन टू ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ये मिल गया इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है और इन दोनों टर्म्स में से हम आई पाई अपॉन टू ए को कॉमन ले सकते हैं ये मिल जाएगा आपको प्लस आई पाई अपॉन टू ए आई पाई अपॉन टू ए को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है तो ये आ जाएगा आपका ई की पावर आई ए माइनस ई की पावर माइनस आई ए ये आपका नेगेटिव वाला टर्म मिल रहा था इसलिए इसको हमने बाद में लिख लिया ई की पावर माइनस आई ए इसको पहले लिख लिया ई की पावर आई ए। ठीक है आई पाई अपॉन टू ए को कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में तो आपको ये मिल गया। ठीक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई पाई अपॉन टू ए और ई की पावर आई ए माइनस ई की पावर माइनस आई ए को हम क्या लिख सकते हैं टू आई साइन ए कैसे साइन ए क्या हो जाएगा आपका साइन ए को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर आई ए माइनस ई की पावर माइनस आई ए अपॉन टू आई। साइन थीटा को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू आई। ठीक है यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है ए है तो मीन साइन ए को हम लिख सकते हैं ई की पावर आई ए माइनस ई की पावर माइनस आई ए। यहाँ पर जो आपको टर्म मिल रहा है वो मिल रहा है ई की पावर आई ए माइनस ई की पावर माइनस आई ए मीन ये टर्म मिल रहा है तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आई साइन ए टू आई साइन ए। ठीक है इज इक्वल टू जीरो। ठीक और अब यहाँ पर ई की पावर आई एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स लिख लो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ई की पावर आई एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स बाय यूलर्स फॉर्मूला अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है अब देखो इस टर्म में आपको यहाँ पर भी आई मिल रहा है और ब्रैकेट के अंदर भी आपको आई मिल रहा है मतलब आई स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर मीन्स माइनस वन तो ये क्या मिल जाएगा आपको माइनस पाई टू पाई टू है ना यहाँ पर माइनस टू पाई साइन ए अपॉन टू ए। ठीक है तो ये टू से टू कैंसिल इज इक्वल टू जीरो। ठीक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसको हम दो इंटीग्रल्स में लिख ले रहे हैं एक हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मीन्स रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख रहे हैं। ठीक है तो ये मिल गया आपको आई मतलब पहला इंटीग्रल आपको मिला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दूसरा क्या हो जाएगा आई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है और यहाँ पर मिल रहा है आपको माइनस पाई साइन ए अपॉन ए। ठीक है इसको हम अगर आर एच एस में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई साइन ए अपॉन ए। ठीक और आपको चाहिए क्या था इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये चाहिए था आपको मीन्स आप रियल पार्ट्स को इक्वेट कर दो तो आपको मिल जाएगा इक्वेटिंग रियल पार्ट वी कैट जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे इमेजिनरी पार्ट को तो क्या मिलेगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ पर तो आरएचएस में आपको इमेजिनरी पार्ट मिल ही नहीं रहा है मीन कोई ऐसा टर्म मिल नहीं रहा है जिसमें आई आ रहा हो। ठीक है मीन इमेजिनरी पार्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे और रियल पार्ट को इक्वेट करोगे तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है ये है और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है ये है यहाँ पर रियल पार्ट तो मिल रहा है इमेजिनरी पार्ट तो मिल ही नहीं रहा तो जब रियल पार्ट को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई साइन ए अपॉन ए ये प्रूव करना था आपको। ठीक है इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई साइन ए अपॉन ए। ठीक तो इस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं इंटीग्रल्स को जब आपको जो फंक्शन के लिए जो आपको पोल्स मिल रहे हैं जब वो रियल एक्सिस पर लाई करते हो तो इस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं उन इंटीग्रल्स को बाय कॉन्टूर इंटीग्रेशन। ठीक है तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।